नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सीटेट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी हिंदी में। दोस्तों इसके लिए आपको डीजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप सरकारी.com और रोजगार.com पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको डीजी लॉकर की साइट देखिए हमने ओपन कर ली है, और यहाँ से आपका अगर लॉगिन पहले से है तो लॉगिन कीजिए, अगर नहीं है तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, यानी जो आपने अपना आधार कार्ड बनवाया है वो आधार कार्ड का नंबर डालना है। ये नंबर डालने पर जो उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका एक OTP पासवर्ड जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही OTP पासवर्ड आपको डालेंगे और नीचे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों लॉगिन हो चुका है हमारा, ये हमारा डीजी लॉकर का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। और वहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में इशूड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो लेटेस्ट उसके अपडेट्स है वो भी आपको शो करेंगे। यहाँ पे भी CBSE शो कर रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो इशूड डॉक्यूमेंट से भी आप जाके कर सकते हैं। दोस्तों दोनों ही ऑप्शन है, मैं आपको चलिए इशू डॉक्यूमेंट से करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं चले जाते हैं। देखिए उसी डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको करना है गेट मोर नाउ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको करेंगे आपका आधार कार्ड जो ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी इसमें आपका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो CBSE का है उस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि CTET का एग्जाम जो है CBSE ही कराती है, इसलिए CTET का एग्जाम के लिए आपको वहीं मिलेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से आप CTET की मार्कशीट और CTET का सर्टिफिकेट दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे आपको दोनों चीज़ अलग अलग करनी पड़ेगी, आपको मतलब मार्कशीट आपको अलग डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपको सर्टिफिकेट अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, जो आपने एग्जाम किस ईयर में पास किया वो डालना है, और अगर रिमार्क कुछ है आपका तो वो डालना है, मतलब कि मत भी डालना है आपको। मतलब कि जैसे एग्जाम जो है आपकी, आप जानते हैं CTET जो साल में दो बार होता है, एक बार दिसंबर में होता है, एक बार जून जुलाई में होता है, मतलब जिस भी सेशन में आपने एग्ज़ाम दिया है उस सेशन का आपको जो है मंथ डालना है, ईयर डालना है, और अपना उसमें एडमिट कार्ड में जो आपका रोल नंबर प्रिंट है वो आपको डालना है, और नाम दोस्तों सेम होना चाहिए, अगर नाम में कुछ भी कंफ्यूजन है तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने अपना पूरा डिटेल्स डाल दिया है, उसके सबमिट पर क्लिक कर दिए, देखिए डॉक्यूमेंट जो है वहाँ से डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा ये देखिए यहाँ कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है व्यू डॉक्यूमेंट, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। चलिए दोस्तों मैं व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों डाउनलोड मैं कर रहा हूँ सर्टिफिकेट को, व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। थोड़ा डीजी लॉकर की साइट स्लो चल रही है, लेकिन मैंने क्लिक कर दिया है, एक सेकंड के अंदर वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये देखिए PDF में ये ओपन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी करके अपनी ईमेल पे भी देख सकते हैं, और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ताकि आने वाली जो नौकरी वोकरी है उसमें आपको कहीं भी लगाना हो CTET का सर्टिफिकेट तो यही सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि अब फिजिकल कॉपी नहीं भेजी जाती है। तो दोस्तों इसे ध्यान रहे, CTET सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका हमने बताया। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।